टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व कॉर स्टैंड जो इंपॉर्टेंट जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर तैयार किया है सो वॉट यू है कंप्लीट वीडियो एंड राइट ऑल दैक्सिम मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं

जो दो तरणेतर का फेयर है जूनागढ़ में लगता है ये भी आपको याद रखना सुरेंद्रगर में सॉरी ड्यू टू विच कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड वॉज अमीर खुसरो गिवन दूती ए हिंद द टाइटल इन इंडिया हिस्ट्री तो अमीर खुसरो ने बहुत सी बुक्स लिखी थी आसिका नूर सिपिहर किरातुल सदाइन दीज बुक्स में आर बाय अमीर आ, जो गजल आप लोग सुनते हैं इंडिया में गजल्स को लाने वाले थे अमीर खुसरो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप किए थे पैरट ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट इधर टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज इन द गेट वे ऑफ तंजावूर टेम्पल आर थर्टीन थर्टीन स्टोरी तंजावर के टेम्पल में हुआ कॉल्ड चंद्रायन इट वॉज रिटर्न बाय मुल्ला दाऊद एंड इट वॉज रिटर्न इन अवधी लैंग्वेज इट वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ अवधी लैंग्वेज रिटर्न बाय मुल्ला दाऊद हु प्लेड एज इंपोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वेटरनरी साइंस महर्षिट्टो वॉट वॉट इज वेटर जो एनिमल्स का जो जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है दैट साइंस इज नॉन एज वेटररी साइंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल Taj कंप्लीटेड इन completed in 1653. ट्वेंटी ट्वेंटी का ड्यूरेशन था इसको कंस्ट्रक्शन का और टोटल कॉस्टिंग था 4.5 करोड़ रुपीस. ओके याद रखना और नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में तो इंडिया म्यूजियम का है इट इज इन कोलकाता हाउ डू वेरियस मटेरियल्स गेट एडेड इनटू टू

नेचुरल हैबिटेट में देखने को मिलते हैं इंडिया कंपीट्स विथ चाइना एंड फॉर इट्स एक्सपोर्ट ऑफ ट्री श्रीलंका चाइना का पहला नंबर है उसके बाद इंडिया फिर उसके बाद चाइना का नंबर आता है वॉट इज हार्मफुल फॉर कॉफी डायरेक्ट सनरेज तो डायरेक्ट सनरेज रहती है उसके जो कॉफी का जो प्लांट होता है वो मुरझा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर पर है नागार्जुन सागर तो देखो इसको याद रखना कृष्णा मीन्स लॉर्ड कृष्णा और यहां पे क्या वर्ड आया देखिए अर्जुन इसमें से आपको हिंट मिल जाती है इन इंडिया in ये जो इंस्टीट्यूट है इसको एस्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन एटी वन विच सिटी इज नॉन एज सिलीकॉन वैली ऑफ इंडिया इट इज बैंगलुरु ये यहां पे सबसे बड़ा आई टी हब है ये अमेरिका के बाद आई थिंक सेकेंड नंबर का आई टी हब है बेंगलुरु में इंडिया हैज अबाउट कोस्ट लाइन ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स किलोमीटर इतना लंबा कोस्ट लाइन है इंडिया का याद रखना व्हाट इज द मेजर फ़ियर ऑफ मार्केट सिस्टम मोनोपोली तो जो मार्केट सिस्टम है उसमें मोनोपोली स्टेब्लिश होती है कॉम्पिटिशन होता नहीं है तो मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है च अमोंग द फॉलोइ इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव उसका हेड क्वार्टर है इट इज इन जीनीवा ओके सब याद रखना हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वेयर देयर इन अवर कंट्री टिल टू थाउजेंड फिफ्टीन नाइन फोर सेवन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाइन फोर सेवन टू थाउजेंड फिफ्टीन तक विच मार्ट इज पुट ऑन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट लाइक मीट एंड मटन एमपीओ नॉन वेजिटेरियन होता है उसमें एमपीओ का मार्क रखते इन सी एस सी ए स्टैंड फॉर एलिमेंटेरियस याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तो पर कैपिटा इनकम वॉज नॉट कंसिडर्ड टू मेजर इट ये इसके लिए रॉन्ग है फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन नाइनटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड हंड्रेड एंड सेवेंटी वन एसडीआर रैंक अकॉर्डिंग टू एस डी आर अफगानिस्तान ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अफगानिस्तान का 171 नंबर आता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस एवरी वन टू एंजॉय पब्लिक प्लेसेस इक्वली आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है रिलीजियस इक्वलिटी देता है आप किसी को भी uh, अपने आप से छोटा नहीं मान सकते स्टार्टेड इंसर्जेंसी फर्स्ट टाइम इन इंडिया नक्सलाइट ये वेस्ट बंगाल में एक एरिया है जिसका नाम है नक्सलबारी तो इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई थी और जो जिन्होंने ये शुरुआत की थी उनको बोला गया था नक्सलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नक्सलबारी विलेज इज सिचुएटेड इट इज इन वेस्ट बंगाल जो मैंने आपको बता दिया द चाइनीज रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ से तुंग इसने कम्युनिज्म की शुरुआत की थी इन चाइना माओ से तुंग ने बरो इनको माओ जेदोंग भी कहते हैं जुबेनाइल राइट्स मींस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन द एप्लीकेशन फी टू फाइल ऑन एन आर टी आई इज टू ट्वेंटी रुपीज आरटीआई रिपोर्ट आपको मांगना हो तो उसकी एप्लीकेशन फीस है ट्वेंटी रुपीस ओके okay? अब देखिए पे हमको पेयर ऑस्टेलोइड्स इनको हम निषाद बोलते हैं उत्तर रामचरितम ये भावभूति ने लिखा था ये बुक धोलावीरा कहाँ है इट इज इन खदीरवेट फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल को फॉरेस्ट इन हिमालयस ये हिमालयस में होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका शॉर्ट फॉर्म है यू लिख ले देगा आप लोगों को याद रह जाएगा फिर यहां पे हमको ये बताना ट्रू या फॉल्स अबुल फजल इज नॉन एज तूतीय हिंद तो दिस इज फॉल्स अबुल अबुलजिल नहीं अमीर खुसरो अमीर खुसरो इज नॉन एज तूतीय हिंद रामायण इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉपिक तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल महाभारत इज द लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड पेड़ी एंड मेज बोथ आर खरीफ एंड जायद क्रॉप्स ट्रू खरीफ की और जायद दोनों टाइप की क्रॉप्स है थ्री टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस इन इंडिया इंडिया में दो ही होते हैं मूंगा और टसर दो ही होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट राइस ड्यू टू पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी के कारण ही खड़ा होता अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी आती है बरबर तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स जो मंदिर है भारत में बारह ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक सोमनाथ का है जो गुजरात में विच इज वेरी बुक ऑफ इंडिया इट वॉज रिटर्न बाय कलह एंड इट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ काश्मीर कलहणा ने लिखी थी राजतरंगणी आपको याद रखना है ज हाई मोस्चर रिटेंशन पावर ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल में जो मोस्चर को रिटेंशन करने का पावर मैक्सिमम होता है विच मार्क इंडिकेट सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया एग मार्क एग मार्क जो है ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर आता है विच इज द फेमस बुक ऑफ पॉयट तिल्लु बर्वर तिल्लु बर्वर की है कुरल कुरल जो है तिरुवल्लुवर की एक फेमस बुक है आपको जान के आश्चर्य कि इनकी स्टेच्यू और फॉरन में एक यूनिवर्सिटी उसके बाहर लगाई गई है नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यभट्ट एवरी ईयर ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट द कलर इज होस्टेड ऑन रेड फोर्ट रेड फोर्ट पर फिफ्टींथ ऑगस्ट तो हम तिरंगा लहराते हैं इकोनॉमिकल फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वीमेन एम्पावरमेंट इंडिया बी कैम इंडिपेंडेंट ऑफ फिफ्टींथ नाइनटीन फोर्टी सेवन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गि बिलो ईच क्वेश्चन राइट आंसर इन विच आर्ट फॉर्म इज दिनेशन ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स किस कॉम्बिनेशन दिस वर्ड इज किस आर्ट फॉर्म में सारे आर्ट का समावेश हो जाता है दैट इज ड्रामा ड्रामा में आपका म्यूजिक भी आ जाता है डांस भी आ जाता है एक्टिंग भी आ जाती है तो इट इज ऑफ़ ऑल टाइप ऑफ आर्ट्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर्किटेक्चर ये त्रिमूर्ति का है त्रिमूर्ति का स्ट्रक्चर है ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर ट्रिनिटी बोलते हैं इसको विच इज द फॉलोइंग पेयर्स फॉल्स टी कॉफी सब सब फार्मिंग ये फॉल्स है विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द एक्सपर्ट ऑफ जूट इन द वर्ल्ड सेकंड है, पहला नंबर आता है बांग्लादेश का बांग्लादेश स्टैंड द एक्सपोर्ट ऑफ जूट हुईज दिड्यूल आर्टिकल थ्री फोर्टी वन एंड थ्री फोर्टी ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये थ्री फोर्टी वन और शिड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इसका जो लिस्ट है ये हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति वो बनाते हैं तो कल्चरल और नेचरल हेरिटेज में रिलेशन है तो रिवर्स लाइक गंगा द इंडस द ब्रह्मपुत्र द यमुना द गोदावरी द कादेवरी कावेरी एटसेट्रा आर रेवर्ड एंड वर्शिप्ड एज लोक माता हमारे देश में नदियों को लोक माता कहते हैं बनियान एंड पीपल ट्रीज एज वेल एज बेजिल आर वर्सिप्ड हमारे देश में पीपल के पेड़ा पीड़ा होते हैं वर्ष पूजा होती है वट्स सावित्री का व्रत होता है उसमें हम जो बनियान ट्री है उसकी उसको वर्सिप करते हैं बेसिप तुलसी बेसिल का मतलब होता है तुलसी तो ये लगभग हर घर में होता है इसकी पूजा की जाती है द रिचुअल ऑफ वट सावित्रीज फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ बनियान ट्रीज एज आई डिस्क्राइब वी हैव एक्सेप्टेड मेनी बर्ड्स एनिमल्स एज द ऑफ गॉड एंड गोडेज देखा होगा आपने बहुत से देवी देवता उनका जो वाहन है वो एनिमल्स को दिखाया जाता है ये क्यों होता है टू प्रिजर्व दोज एनिमल्स जब आप उनको रिस्पेक्ट करोगे तो आप उनको मारोगे नहीं इसलिए हमारे अंदर ये इस तरह का सिस्टम हमारे अंदर डाला गया अब क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स आर लिंक विद द सीजन सेवरल्स ऑफ अवर रागस आर बेस्ड ऑन प्रहर पीरियड ऑफ द डे हमारे देश में अलग अलग राग होते हैं संगीत में श्री दीपक हिंडोलमेघ और भैरवी राग होते हैं जैसे जो राग भैरवी होता है ये सुबह में गाया जाता है अवर लैंडस्केप हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द आर्टिस्ट हुई डेवलपिंग दर एस्थेटिक सेंस और मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेद यूनानी एंड नेचुरोपैथी आर ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचर ये जो ये सिस्टम याद रखना है एमसीक्यू में पूछते हैं आयुर्वेद यूनानी और नेचुरोपैथी ये नेचर के ऊपर बेस्ड होते हैं इन दिस वे देयर इज इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज नेक्स्ट इज नेम द प्लेसिस ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन गुजरात तो प्लेसिस ऑफ पिलग्रिमेज द्वारकाधीश टेम्पल ये द्वारिका में है भगवान कृष्ण का मंदिर है शारदा पीठ और जगतगुरु शंकराचार्य ये शारदा पीठ है ये जगत गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की थी ये भी द्वारिका में ही है ज्योतिर्लिंग टेम्पल एट सोमनाथ बारह ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक सोमनाथ का है अम्बाजी टेम्पल बहुचरा जी टेम्पल रणछोड़ जी टेम्पल ये एक डाकोर में है शामा जी ये भगवान कृष्ण का मंदिर है महाकाली टेम्पल पावागढ़ पे है जो आ, मीरा दाता टेम्पल एट उनावाड़ा जैन टेम्पल ये जो प्लेसिस पालीताड़ा है ये जैन लोग जो होते हैं उनका एक बहुत ही पवित्र स्थान है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट काशी वाराणसी काशी यूनिवर्सिटी तो वाराणसी वॉज द सेंटर ऑफ द वैदिक रिलीजन कल्चर एज वेल एज प्लेस ऑफ क्लिनिमेज एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन वाराणसी जो था हमेशा से एजुकेशन का सेंटर रहा अजाज शत्रु द किंग ऑफ वाराणसी वॉज एन उपनिषद स्कॉलर एंड पेट्रॉन ऑफ एजुकेशन ये अजाज शत्रु याद रखना इन्होंने ही वॉज ए स्कॉलर और उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट भी किया था व्यास संहिता हैड मैं आश्रम ऑफ महर्षि व्यास वॉज इन वाराणसी महर्षि व्यास रॉट द महाभारत ही महाभारत लिखा था और इनका जो आश्रम था वो भी कहा था वाराणसी में वाराणसी वो चोजन बाय लॉर्ड बुद्धा फॉर पीचिंग इज रिलीजन वाराणसी यानी जो बनारस है जो बिहार है वो पूरा उन्होंने उसको पीचिंग के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया था और जो पहला जो प्लेस था उसका नाम था सारनाथ सारनाथ का यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले प्रीचिंग दी थी आदि शंकराचार्य हैड मूव टू वाराणसी टू प्रोप, प्रोपाउंड हिज न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिज्म तो ये प्रिंसिपल जो था उसको उन्होंने प्रोपाउंड का किया था काशी में वल्लभाचार्य द फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग एंड चैतन्य महाप्रभु हैड अचीव्ड फेम इन वाराणसी चैतन्य महाप्रभु आप जो इस्कॉन का जो मूवमेंट देख रहे हो उसके मैन जो थे वो थे चैतन्य थे चैतन्य महाप्रभु द प्रिंस फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज इन द नॉर्थ वेयर सेंट टू वाराणसी फॉर एजुकेशन रॉयल फैमिलीज के जो प्रिंस थे उनको भी वाराणसी में भेजा जाता था अंडर द पेट्रोनेज ऑफ एम्पर अशोका सारनाथ मोनेस्ट्री हियर वाराणसी बिकम ए फेमस एजुकेशन सेंटर ओके राइट अबाउट द एशियंट तमिल लिटरेचर फोर दी लैंग्वेज तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम डेवलप्ड दे आर स्क्रिप्ट इन द एंशियंट एज तीन चार लैंग्वेज याद रखना तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम इनकी जो स्क्रिप्ट जो थी उन्होंने डेवलप की थी हाउ वेर द ओल्डेस्ट अमंग दीज इज वॉज तमिल तमिल जो है सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है थ्री लिटरेरी गैदरिंग्स

मैन थीम ऑफ द संगम लिटरेचर वेयर वॉर पॉलिटिक्स एंड रोमांस ये याद रखना उसकी मैन थीम क्या थी संगम लिटरेचर की संगम गैदरिंग की वॉर पॉलिटिक्स एंड रोमांस दीज वर्ग्स आर कलेक्टिवली नॉन एज संगम लिटरेचर ये जो वर्ग्स इनको सिंगल लिटरेचर कहते हैं द मोस्ट फेमस अमंग द संगम लिटरेचर वेयर इथू थोकई अ कलेक्शन ऑफ एट पोएम्स याद रखना एथु थोक ये जो इसमें एट पोएम्स है तोल काप्यम अ वर्क ऑन ग्रामर एंड पत्थु पातू अ कलेक्शन ऑफ टेन सॉन्ग पत्थु पातू में आ, टेन सॉन्ग्स का कलेक्शन है तिरुवल्लर रोड द फेमस वो कुरल जैसा आपने अभी आगे देखा था कुरल जो है बहुत ही फेमस बुक है इट वॉज रिटर्न बाय तिरुवल्लुवर विच इट डील्स विथ मेनी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन एंड मेखलाई आर अदर फेमस एंसिय वर्क्स इन इंडिया इन द तमिल लैंग्वेज ये नाम याद रखना आपको नाम लिख लेने पड़ेंगे सीलपदीकारम एंड मणि मेखलाई वट इज मैंट बाय माउंटेन सॉल द सॉइल विच इज फाउंड इन द वैलीस एंड ऑन स्लोपी रिलीजन रीज रीजन्स ये मैं लिख देता हूं रीजन्स

माउंटेन सोल वाले प्लेस कौन से है? जहां माउंटेन्स है माउंटेन कहां, कहां पे इंडिया में जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में सिक्किम में दार्जिलिंग में ओके okay? तो उसको आप बोलते हैं माउंटेन सॉइल द लेयर ऑफ दिस सॉइल इज थिन एंड अनडेवलप्ड देयर इज मोर ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स इन द फॉरेस्टेड एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट द वाइल्ड लाइफ विच आर ऑन द वर्ल्ड ऑफ एक्सटिंक्शन एक्सप्लेन यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है एक्सटिंक्ट होने वाली है हमने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है तो अब टाइम आ गया कि हम उस कुछ करें अदरवाइज ये नेचरल डिसबैलेंस हो जाएगा तो टूडे मेनी एनिमल्स आर ऑन वर्ल्ड ऑफ एक्सटिंक्शन टाइगर्स वेयर फाउंड इन द इंटायर इंडिया इन लास्ट सेंचुरी टाइगर इज फाउंड ओनली इन मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल एंड इन द हिमालय पहले पूरे इंडिया में टाइगर्स थे जैसे गुजरात में ही चालीस हजार के लगभग टाइगर थे ओके okay. लेकिन अब जो लिमिटेड एरिया वहीं पे हमको टाइगर देखने को मिलता है अर्लियर टाइगर्स वेर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर अंबाजी पंचमहल एंड डांग इन गुजरात टूडे टाइगर इज टोटली एक्सटिंट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात गुजरात में एक भी टाइगर अब नहीं बचा है पैंथर इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पैंथर है वो भी गायब हो गया है many species of birds which were found in the forest of India are how now hardly seen. बहुत सी species से अब देखने को ही मिलती है Vulture, duck with pink throat, Indian crane, owl etc are on verge of extinction. गिद्ध बतक पील पिंक गर्दन वाली throat मतलब गर्दन वाली जो बतक है वो गायब हो गई है चिलोत्रा वज फाउंड इन वेरी लार्ज नंबर इन अरुणाचल प्रदेश आर हार्डली फाउंड चिलोत्रा एक एनिमल uh, है ये देखने को नहीं मिलता है इट इज क्लियर दैट इट इज टाइम टू थिंक सीरियसली अबाउट एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ यानी हमको सोचना ही पड़ेगा अदरवाइज जो पूरा जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा वट इज मैंट बाय बायो रिजर्व जोन बायो रिजर्व जोन का मतलब क्या होता है बायो रिजर्व जोन इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉम्स इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से इसको बनाया जाता है इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डायवर्सिटी ऑफ एनी रीजन फिजिकल और कल्चरल डायवर्सिटी को मेंटेन करना होता है मोर ओवर द वेस्टेशन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लैंड एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड नॉट ओनली एनिमल्स मैं इसके अलावा इंसेक्ट्स लैंडस्केप लाइफ स्टाइल वहां के जो लोग हैं सब कुछ को हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड हियर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए स्पेस uh, दिया जाता है इज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिविटीज इन बायो रिजर्व जोन यहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते आप लकड़ी नहीं काट सकते आप प्राणियों को चला नहीं सकते द साइज ऑफ सच जोन जनरली एक्सीड 5000 स्क्वायर किलोमीटर यानी काफी बड़ा एरिया होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कैन सेव अस फ्रॉम द वाटर क्राइसिस एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी शुड बी कंसीडर फॉर वाटर मैनेजमेंट हमको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए द वाटर शुड बी यूज इकोनॉमिकली टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन टू वॉश द व्हीकल्स टू वॉच के बदले आएगा वॉश फॉर टेकिंग बाथ एंड एंड इन द टॉयलेट्स बाथरूम्स ये जो जगह पे हम जा पानी का यूज करते हैं हमको बहुत ही उस पे ध्यान रखना चाहिए द वॉटर ड्यूली प्योरीफाइड थ्रू वेरियस प्रोसेस शुड नॉट बी यूज फॉर सच पर एकदम प्योरिफाइड वॉटर है जैसे आर ओ वगैरह में जो होता है तो ये पानी जो है इसको हमको इस ऐसे जगह यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो आर ओ का वाटर इसका वन थर्ड टू थर्ड पानी तो वेस्ट हो जाता है इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए ग्रेट अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अमंग द पीपल एंड एंड इंक्लूड द कंसर्न पीपल हमको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों में रिजर्व वायर शुड बी सेव्ड फ्रॉम पॉल्यूशन बिकॉज इट टेक्स ईयर टू मेक अ डिसेंट रिजर्व वायर विच इज फोल्ड ड्यू टू पॉल्यूशन देखिए रिजर्व वायर को बनाने में बहुत सी ह्यूमन एनर्जी लगती है पैसा भी लगता है तो किसी से पल्यूट ना हो उसका हमको तो ध्यान रखना चाहिए इफ पॉसिबल अटैम्प शुड बी मेड टू री यूज द यूज वाटर जो यूज्ड वाटर है उसको आपको फिर से यूज करना जैसे आपने कपड़े धो लिए तो वो पानी का हम टॉयलेट वगैरह में यूज कर सकते हैं ओके okay? और ग्रे वाटर जो होता है उसका हम दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं अब गार्डन वगैरह में कीप ए वॉच ऑन दूनाइट यूनिट्स ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर उस पर हमको वॉच रखना चाहिए कि वो खराब ना हो

तो उसको हमको नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको हमको तुरंत रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ब्रीफ अकाउंट ऑफ एल्यूमिनियम स्पेल्टिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द एल्यूमिनियम स्पेल्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एज एल्युमिनियम इज लाइट इन वेट स्टर्डी ड्यूरेबल मेलियबल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी heat and rust proof metal it is used in association with magnesium, copper zinc lithium and magnesium metals to dekho ye jo hamara aluminum hai light weight metal hai strong bhi hota hai durable bhi hota hai और ये it is a good conductor of electricity, और इसमें rust भी नहीं लगता है इसलिए हम अलग अलग metal के साथ इसको mix करके alloy बनाते हैं इसका आप यूज क्या करते हैं मेटल्स टू मेक रोड व्हीकल्स रेलवे एयरक्राफ्ट एंड मेनी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इसको जो स्मेल्टिंग करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कंजप्शन होता है सो अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज असेंब्लीज वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज चीप एंड अवेलेबल जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पर आ रही है तो हम उनको ऐसी इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी चीप हो और अवेलेबल हो <laughs> अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेंटर्स आर लोकेटेड इन ओडिशा वेस्ट बंगाल, केरला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ये याद रखना गिव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चेन्नई इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया तो द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री इज एज फॉलोइंग फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एट रानीपेट यह नाम याद रखना तमिलनाडु बट दर्चुअल डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड इन नाइन वन विद द फैक्ट्री एस्टैब्लिस्ट बाय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट सिंदरी झारखंड फर्टिलाइजर की अपने पहली फैक्ट्री सिंदरी झारखंड में लगाई थी एज द डिमांड फॉर फर्टिलाइजर इंक्रीज़ ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इजी अवेबिलिटी ऑफ नेचरल गैस केमिकल फैक्ट्रीज वेयर आर एस्टेब्लिश इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया तो ये जो टाइम था ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा अब इंडियन में इंडिया में नेचुरल गैसेज अवेलेबल थी तो बहुत सारे प्लांट्स बनाए गए मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल नेचरल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कम्स फ्रॉम गुजरात तमिलनाडु उत्तर प्रदेश पंजाब एंड केरला ये पांच स्टेट से 50 परसेंट जितना केमिकल फर्टिलाइजर मिलता है केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स आर लोकेटेड एट कंडला कलोल वडोदरा हजीरा बरुच, इन गुजरात ये गुजरात के प्लेसेस के नाम याद रखना मैप वगैरह में भी आपको काम आएगा हु इज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन वॉट इज द अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 60 इज विलिंग टू वर्क हु इज इन सर्च फॉर वर्क बट डज नॉट गेट वर्क सच अ सिचुएशन इज फोर्स एंड इज अगेंस्ट द विश ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन यानी कि एज मोर देन 15 और लेस देन 60 होना चाहिए क्योंकि बिलो फोर वाला जो होता है वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है ओके और वो फिजिकली स्ट्रांग हो गए और वो काम करना चाहता है जो रेट चल रहा है उस पर फिर भी उसको वर्क नहीं मिला देन इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट विच इंस्टीट्यूशन हैज द लोगो ब्यूरो लोगो देखिए ये एग मार्क है ये किसपे आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे ओके दिस इज द लोगो ऑफ मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर गिवेन द मार्क ऑफ मार्क इन सबको हम एक मार्क देते हैं आंसर एनी सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन बिलो एक्सप्लेन हाउ डज इज रिलैक्स रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ तो प्रेजेंटिक संस्कार विद इंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडिया ड्रामेटिक आर्ट यानी इंडियन जो ड्रामेटिक आर्ट है इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो सं, संस्कार है वैल्यू से वो दिया आता है नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट नाट्यशास्त्र इट वॉज रिटर्न बाय भरत मुनि ये नाट्यशास्त्र में फेमस है इट हैज कैपेसिटी टू एंटरटेन पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स कोई भी एज ग्रुप वाला हो उसको ये ड्रामा उसको एंटरटेन करता है ड्रामा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स नेमली ऑडिशन विजुअल एंड एक्टिंग ऑडियो विजुअल एक्टिंग ये इसमें समझ लो आप टे इंडिया में अभी तो सब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हुए पहले जो सोशल इशूज थे उसके ऊपर ड्रामा लिखा जाता था द सोशल ट्रेडिशन कस्टम्स एसट्रा आर रिप्रेजेंटेटेड बाय प्लेस द ड्रामेटिक आर्ट रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ ये जो सोशल सोसाइटी में जो चल रहा है वो सब चीजें दिखाई जाती थी राइट ब्रीफ लॉट ऑन एलिफेंटा केव्स द एलिफेंटा केव्स वेर बिल्ट ऑन एन आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है द पोर्टुगीज नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज एलिफेंटा ज ह्यूज मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंट यहाँ पे एलिफेंट का बहुत बड़ा मोन्यूमेंट है इसलिए जो पोर्टुगीज थे धारापुरी बोलते हैं आउट ऑफ सेवन केव एलिफेंटा केव वन इज द मैग्निफिशियंट स्क्रप्चर जो केव नंबर वन है उसमें बहुत ही मैग्निफिशियंट स्क्रप्चर है त्रिमूर्ति जो हमने आगे देखा था एमसीक्यू में इसमें तीन है ब्रह्मा विष्णु महेश द यूनेस्को डेजिग्नेटेड केव्स एज वर्ल्ड साइट इन 1987। राइट इन ब्रीफ अबाउट एलोरा केव्स तो द डिस्ट्रिक फीचर्स ऑफ एलोरा केव्स आर एलोरा केव्स वेयर इज क्लप्टेड बिटवीन 600 हंड्रेड एडी एंड वन थाउजेंड एडी एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र ये प्लेसिस के नाम जो भी चीज अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान में रखना आप आंसर लिखो तब भी अंडरलाइन कर दो आर केव्स दोन टू आर बुद्धिस्ट केव्स ट्वेंटी नाइन आर हिंदू केव्स एंड थर्टी टू थर्टी फोर आर जैन केव्स यानी तीन रिलीजन्स का यहां पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रैन ऑफ राजकूट डायनेस्टी राष्ट्रकूट जो राजा थे उनके शासन में यह बना था केव डेडिकेटेड टू हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर ये याद रखना। इट इज फिफ्टी मीटर लॉन्ग थर्टी थ्री मीटर वाइड एंड थर्टी मीटर हाई ये सारे डिटेल्स आपको लिखनी है दिस टेम्पल इज कार्ड कार्ड आउट ऑफ ए सिंगल मासिव रॉक एक ही रॉक को कट करके ये टेम्पल बनाया गया था ट इज अडोन विद ब्यूटीफुल डोर्स बालकनीस एंड सीरीज ऑफ पिलर्स द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स बहुत ही अद्भुत मंदिर है अगला है वॉट इज मैं सेंचुरी तो सेंचुरी आर दोज प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर है प्रोविजन इज मेड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दोज वाइल्ड लाइफ एनिमल विच आर फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंकशन जो प्राणी खत्म होने वाले हैं डेंजर जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरी बनाते हैं द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश सेंचुरी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनी स्पेशल सब स्पेशल ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट देयर विथ सर्टेन लिमिट यहाँ पे जैसे अब एक लिमिट के अंदर आप लकड़ी काट सकते हो खेती कर सकते हो आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी ग्रेजिंग कैन बी प्रैक्टिस फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पे आप डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको चरा सकते हैं पेरियार चंद्रप्रभा इतुरंगम सारिस्का ये राजस्थान में है पेरियारे इट इज इन केरला ये याद रखना ये फेमस सेंचुरी है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर रिसोर्सिस ऑफ इंडिया तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सिस इन इंडिया रेन वाटर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर तीन वो है रैन वाटर रैन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ रिवर्स लेक्स स्ट्रीम्स एंड वेल्स आर माइनर सोर्सेस क्योंकि रैन हो गई तभी तो इन जगह पे पानी जाएगा ऑल दीज सोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन रैन वाटर सरफेस वाटर इट इज फाउंड इन रिवर्स लैक्स पॉन्ड्स स्ट्रीम्स सीज एंड रिजर्वायर्स हियर द रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वॉटर मेन सोर्स है रिवर हमारी ग्राउंड वाटर द वॉटर विच इज एबजॉर्ड बाय द सर्फेस एंड इज कलेक्टेड इन द सब स्टेटाइज कॉल्ड ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर यानी वो पानी जो जमीन के अंदर उतर जाता है द ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड इट इज कलेक्टेड इन अबाउट फोर्टी टू परसेंट ऑफ द एरिया इन द प्लैस ऑफ नॉर्थ इंडिया फोर्टी टू परसेंट ग्राउंड वाटर नॉर्थ इंडिया में प्रिजर्व है द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज लेस देअर बिकॉज ऑफ द पेनिसुलना प्लेटो एंड माउंटेंस और जबकि दूसरी जगह क्या है पेनिसुलना है प्लेटो है माउंटेंस है तो वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है कम है. Water, में होता है इट इज मोस्ट यूज फॉर इरीगेशन ग्राउंड वाटर का हम किसमें यूज करते हैं इरीगेशन में वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी अंडर मा अन्नपूर्णा योजना द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैड इनेक्टेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्शन एक्ट इन टू थाउजेंड थ्री ये आपको याद रखना है फूड सिक्योरिटी मीन्स प्रोविजन ऑफ न्यूट्रियस फूड टू एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लिव एन एक्टिव एन हेल्दी लाइफ यानी जो भी है सबको न्यूट्रियस फूड देना है सब जिससे कि अपनी हेल्दी लाइफ जी सके द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लॉन्च माँ योजना टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी इन गुजरात द अंत्योदय फैमिलीज विच आर दुअरेस्ट अमंग द पुअर आर प्रोवाइडेड 35 किलोग्राम फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ ऐसी जो अंत्योदय फैमिली होती है इनको 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है द पुअर फैमिलीज आर प्रोवाइडेड 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर, पर मंथ एट हाई, हाईली सब्सिडाइज रिस्ट बहुत ही सस्ते दाम पर इनको दिया जाता है वीट इज गिवन एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज टू पर के जी राइस एट रुपीज थ्री पर के जी अबाउट थ्री पॉइंट सिक्स टू करोड़ पीपल इन गुजरात हैव बीन प्रोवाइडेड फूड सिक्योरिटी बाय अन्नपूर्णा योजना थ्री पॉइंट सिक्स टू करोड़ लोगों को इसमें फूड सिक्योरिटी दी गई है द पीपल हु आर कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम गेन द बेनिफिट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ विच अलार्ज सम ऑफ मनी कैन बी सेव दे कैन स्पेंड देयर सेविंग्स टू परचेज अदर थिंग्स एंड इम्प्रूव दर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जिन लोगों को इसका एडवांटेज मिलता है उनके काफी पैसे बचते हैं तो उससे अपना दूसरी जिंदगी की दूसरी चीजें को परचेज कर सकते हैं स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर है इज फॉलोइंग यूथ लोज लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज अब देखिए जब यूथ है वो जान रहा है कि मैं पढ़ लूँगा कुछ भी कर लूँगा डिग्री ले लूँगा बट मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना है तो क्या करेगा ही विल लूज इज कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिवली अफेक्ट्स दे आर सोशल एंड मेंटल कंडीशन एंड साइकोलॉजिकली दे आर डिसअपॉइंटेड जॉब नहीं मिलेगी तो सोशली और साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इफ़ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग टाइम दे गेट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल और इमोरल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्राफिकिंग इलीगल डीलिंग्स रॉबरीस रिकवरीज, रैंसम एक्सेट्रा तो देखिए जब एम्प्लॉय नहीं, नहीं मिलता है तो आदमी हताश हो जाता है तो सर्वाइव करने के लिए ये जो इमोरल एक्टिविटीज से वो करने लगता है जैसे ड्रग का बिजनेस करने लगता है रॉबरी करने लगता है ये सब चीजें देखने को मिलती है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इन इनइवेलिटी इंक्रीज क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स और जो अनएम्प्लॉयड रहेगा वो बहुत ही गरीब होगा और दूसरा जो एम्प्लॉयड रहेगा वो पैसे वाला होगा तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आता है डिफरेंस पैदा होता है वेन प्राइस राइज कम्बाइंस विथ अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड बिकम्स मोर क्रिटिकल एंड पैथेटिक अब आदमी अनएम्प्लॉयड हो और उस समय प्राइस राइज भी हो तो उसके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है उनकी जिंदगी बहुत ख़राब हो जाती है दे आर लिविंग स्टैंडर्ड फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट टर्न टूवर्ड्स नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर एडिक्शन जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो डिप्रेस होकर के दूसरे गलत रास्ते पर चले जाते हैं ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं दस एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड में बी डेडली फॉर इंडिविजुअल्स फैमिलीज एंड फॉर इकोनॉमी Next question is how is human development uh, index calculated? Human development index uh, calculated from 2010 the UNDP applied the following three indications: life expectancy. Index to determine healthy and uh, longevity of life presumed expectancy of life. It implies how long the newborn infant will live from the time of birth. अपर एंड लोअर लिमिटीन सेट 83.6 एटी थ्री 20 एंड यानी yani कोई बच्चा जन्म लेता उसके बाद कितने समय तक जिएगा वो उसको हम बोलते हैं ये थ्री पॉइंट 83.6 और लोवेस्ट है 20। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन एजुकेशन इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ टू क्राइटेरिया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इज द नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन स्पेंड टिल द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव ऑफ एजुकेशन द अपर एंड लोअर इयर्स तो जो एक बच्चा कितनी उम्र अपने स्कूल में स्पेंड करता है तो उसका जो हाईएस्ट है वो है थर्टीन पॉइंट थ्री और लोवेस्ट है जीरो एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग मींस दैट ए चाइल्ड स्टार्ट स्कूलिंग एट द एज ऑफ फाइव द अपर एंड जीरो तो कितना समय रुकेगा वो उसमें अंतर्गत आता है इनकम इंडेक्स इज डिटर्मिंड बाय ग्रोथ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम डू यू नो वट इज पर कैपिटल इनकम तो कोई भी कंट्री है उसकी टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर तो जो फिगर हमको मिलता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 पर कैपिटा ग्रोस इनकम नेशनल इनकम वाज डॉलर फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन वाइल पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी ये फिगर्स आपको याद रखने नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर इन विच वीमेन आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इज मेजर चैलेंज टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इन इन इंडिया यानी जेंडर बाइस जो है वो देखने को मिलता है हमारे कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज फाउंड इन मेनी सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन लाइक चाइल्ड मैरिज फीमेल इन्फेंटिसाइड अनिमेन मेरेज इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन इन द फॉर्म ऑफ टोर्सर आफ्टर द डेथ ऑफ हजबेंड डाउरी द प्रैक्टिस ऑफ सती पोलीगेमी प्रिवेल इन इंडिया तो पहले क्या था देखो इंडिया में चाइल्ड uh, मैरिज होते थे डाउरी सिस्टम था दहेज प्रथा थी सती प्रथा थी पॉलीगेमी पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी करना जैसे ये मुस्लिम में देखने को मिलता है बराबर तो ये सब था द पर्दा एंड बुरखा सिस्टम वेयर ब्लैटेंट डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड वीमेन पर्दा प्रथा वीमेन जिस प्रदेश से पर्दा प्रथा तो हिंदू में गायब हो गई लेकिन बुरखा की जो प्रथा है आज भी प्रीवेलेंट है अब मैन चाइल्ड वॉज ऑलवेज ए प्रेफरेंस ऑफ़ द इंडियन फैमिलीज डिस्क्रिमिनेशन वॉज मेड बिटवीन मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड इन देयर अपबिंग्स यानी जो भी पेरेंट्स थे उनके वो मेल चाइल्ड चाहते थे तो फीमेल यानी लड़की जन्म हो जाए तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था अनटिल द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वीमैन वेयर डिनाइन एजुकेशन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द परसेंटेज ऑफ वीमेन लिटरेसी इज लेस तो नाइनटीन सेंचुरी तक तो विमेन को कोई एजुकेशन देते ही नहीं थे और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये जो विमेन एजुकेशन था उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ था द डावरी सिस्टम हैज़ फ्लरिस्ट एंड टेकन इन हीन फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर एंड अल्टीमेटली ब्राइड बर्निंग एंड फॉर सुसाइड कमिटेड बाय विमेन अब ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई ऐसा नहीं होता है अच्छी बात है डावरी सिस्टम में पहले क्या होता है जो लड़की दहेज नहीं लाती थी उसको टॉर्चर किया जाता था कई बार सुसाइड भी कर लेती थी अब ये चीज़ नहीं है हमारे देश में बहुत अच्छी बात है सेक्शन डी है आंसर एनी फोर क्वेश्चन इट इज ए कंपलसरी क्वेश्चनैटिक तो आर्यभट्टोज ए ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया नॉन एज द फादर ऑफ मैथेमेटिक्स ही बुक्स ऑन मैथमेटिक्स द मोस्ट नोटेबल आर आर्यभट्टियम एंड दस गीतिका ये दो उनकी बुके बहुत ही फेमस है आर्यभट्टी मेन दस गीति का आर्यभट्ट डिस्कवर्ड द न्यूमेरिकल जीरो जीरो की खोज किसने की थी आर्यभट्ट ने ही प्रोपाउंडेड द वैल्यू ऑफ पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन इट इज टू से थ्री पॉइंट वन फॉर एंड पाई इज द कॉन्स्टेंट टू शो द रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंस एंड डायमी ऑफ सर्कल तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो ट्वेंटी टू बाई सेवन होता है आर्यभ्ट ने बताया था ही इंट्रोड्यूस अस्ट्रग मेथड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट उसके लिए जो सिस्टम था इन्होंने डेवलप किया था आर्यभट्ट डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी देखो एस्ट्रोनॉमी ये भी एक प्रकार का साइंस है इसमें मैथ्स का यूज होता है तो उसको उन्होंने डेवलप किया था ही प्रूव्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस देन दफ द अर्थ ऑन द मून वॉज द रीजन फॉर द ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि जो 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 भी साइंस की लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो हमारे पूर्वजों ने पहले कर ली थी उन्होंने बताया कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और ल्यूनर एक्सिस ल्यूनर मतलब ल्यूना का मतलब याद रखना ल्यूना का मतलब होता है मून ओके okay? तो क्या होता है जैसे ये देखिए अर्थ है और यह है आ, सन है यह है अर्थ है और यह हमारा मून तो देखिए सन सॉरी मून और सन के बीच में अर्थ आ गया तो क्या होगा कि मून की सन की जो रेस है वो मून तक नहीं जाती है तो मून हमको दिखाई नहीं देता है दैट इज ल्यूनर एक्लेप से ही फाउंड सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड जियोमेट्री राइट नॉट ऑन ग्लोबल मार्केट इन इंडियन एग्रीकल्चर द ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया हेज फॉलोज एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज बीन मेड सिंपलर अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को सिम्पल बनाया गया है जिससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ सके एज ए रिजल्ट ऑफ इट कॉटन चिली सीसेम एट्सेट्रा गुजरात आर सोल्ड इन चाइनीज मार्केट एंड वेरियस फ्रूट द वर्ल्ड आर सोल्ड इन इंडिया हमारा जो प्रोडक्ट एब्रोड जाता है वहाँ के प्रोडक्ट हमारे यहाँ जैसे आपको बताऊँ एक फ्रूट है कीवी ये पहले देखने को नहीं मिलता था अब हमको देखने को मिलता है अंडर द सर्कमस्टांस द प्रपोर्सन टाइप एंड फॉर्म ऑफ द फार्म प्रोडक्ट है सेम ब्रांड ऑफ फॉरन प्रोडक्ट्स तो देखिये हमारी कौन सी चीजें बाहर एक्सपोर्ट होगी जिसकी क्वालिटी दूसरों से बेटर हो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कॉस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स सोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया बीटी जो सीड्स हैं ये हाइब्रिड सीड्स हैं है अब इंडिया में भी अवेलेबल है दिस हैज रिजल्ट इन एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर ऑल्दो द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन एंड मेज हैज इंक्रीज ड्यू टू दीज सीड्स ये जो सीड्स का यूज करते हैं तो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन हमारे देश में इसके कारण मेज यानी मक्काई और कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया इस सीड्स का यूज करने से इन ऑर्डर टू फेस द स्ट्रीप कॉम्पिटिशन ऑफ हार्व प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट इंडिया विल हैव टू इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हमको मार्केट में टिकना है तो हमको क्या है नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको देने पड़ेंगे न्यू क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नॉट ऑन ग्रीन रेवल्यूशन द फिनोमेना ऑफ अन इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्ट्स ड्यू टू द इंक्रीज यूज टू इंप्रूव सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज एफर्ट्स बाय फार्मर्स वाइड स्पेड अरेंजमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोटिसेबल इंक्रीज इन द इिगेशन फैसिलिटी ज नॉन एज ग्रीन तो क्या हुआ कि हमने क्या क्या किया देखिए हमने हाइब्रिड सीड्स का उपयोग किया फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो इस इंसिडेंट को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन मैन एम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन हमारा उसका जो मेन एम क्या था कि जो फार्म प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करना था the farmers were encouraged to use improved seeds more chemical fertilizers and insecticide as a result the goal of increase the farm product <coughs> farm production was achieved successfully <laughs> हमने क्या किया इम्प्रूव सीड का यूज किया केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया इंसेक्ट से बचने के लिए तो हमारा जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया

वह देजे स्कोर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन नाउर इज सफिसियंट स्टेट रोज ऑफ फूड ग्रेन्स जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम दूसरे देशों से ग्रेन अनाज मनाते थे लेकिन आज हम इंडिपेंडेंट हो गए आज हम एक्सपोर्ट करने लगे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द ड्रॉप इफेक्ट्स आर नॉट लेफ्ट इन द कंट्री द ड्रॉप एंड द स्केटी कंडीशन आर इजली फेस नाउ ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स ड्रॉप का मतलब होता है अकाल फेमिन पहले क्या होता था फेमिन अकाल पड़ता था अब लाखों लोग मर जाते थे लेकिन अब हम क्या करते हैं जो ग्रेन है उसका बफर स्टॉक करके रख लेते हैं बराबर तो बहुत सी लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं द सेल्फ रिलाइन कंडीशन ऑफ नेशन इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन इज ए हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन ग्रेन रेवोल्यूशन नेक्स्ट है द डिस्क्राइब द रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइेशन कंज्यूमर का एक्सप्लोर्टेशन क्यों होता है तो द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोर्टेशन ऑफ द कंज्यूमर्स कंज्यूमर देम सेल्स रिस्पॉन्सिबल तो मोस्ट ऑफ कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट एंड प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन दे आर अनअवेयर ऑफ द राइट एंड द आर अनविलिंग टू ऑर्गेनाइज देम सेल टू फाइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन जैसे जो कंज्यूमर्स उनको मालूम नहीं कि उनके राइट्स क्या है और वो ऑर्गेनाइज नहीं है इसलिए वो क्या एक्सपोर्टेशन के खिलाफ लड़ नहीं पाते लिमिटेड इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर से वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड देयर क्वालिटी एंड यूटिलिटी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या क्या है यूटिलिटी क्या क्या है उसके बारे में नहीं जानते दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गारंटी एंड वारंटी मोर ओवर द सेल्समैन डू नॉट प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन तो कोई भी प्रोडक्ट इसमें गारंटी और वारंटी क्या है वो कस्टमर को नहीं बताया जाता है तो जो गैजेट है वो खराब हो जाता है उसका, उसका यूज नहीं कर पाते हैं और बहुत सी बात तो सेल्समैन भी ये इंफॉर्मेशन नहीं देते लिमिटेड सप्लाई तो देखो द ट्रेडर्स क्रिएट आर्टिफिशियल ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स द ट्रेडर्स टेक अन एडवांटेज ऑफ द स्के तो क्या करते है? जो ट्रेडर्स होते हैं और आ, आर्टिफिशियल स्केरसिटी खड़ी करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो डिमांड होगी डिमांड बड़ी होगी तो आप ज्यादा प्राइस देने को मजबूर हो जाते हैं तो इस तरह से कस्टमर का कंज्यूमर का एक्सपर्टेशन एकस्टुमर होता है लिमिटेड कॉम्पिटिशन द मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स फॉर्म कार्टेल एंड क्रिएट मोनो सिचुएशन द कंज्यूमर्स फाइंड देअ सेल्फ इन मार्केट वेयर देयर इज लिमिटेड और नो कॉम्पिटिशन एंड गेट देसपर्टेड अब जैसे आपको बताऊं अपने अहमदाबाद में जो पावर सप्लाई है वो टोरेंट पावर करता है इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है तो ये जो भी ये प्राइस राइज करेगा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है ये एक वन टाइप ऑफ मोनोपोली है ओके तो इसके कारण एक्सप्लोरिटेशन होता है राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया द ग्रेट साइजिस ऑफ एशियन इंडिया गिफ्टेड इनवेल्यूएबल हेरिटेज

इंडिया ब्लैंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड practical knowledge is rarely witnessed in other country of the world. हमने जो साइंस था उसको भी रिलीजन से जोड़ दिया हमारे ट्रेडिशन से जोड़ दिया तो उसकी जो वैल्यूएशन थी वो बढ़ गई द इंडियन हेरिटेज इज द बेजिस ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द वर्ल्ड इन द जनरल एंड वेस्टर्न कंट्रीज इन पर्टिकुलर तो हमारा जो हेरिटेज था उसने नॉट ओनली आवर कंट्री पूरे वर्ल्ड को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म देखिए तो इंसर्जेंसी है वो इट इज अ नेशनल प्रॉब्लम इंसर्जेंसी होती है उसमें जो रेबल्स होते हैं जो विद्रोही होते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री को ही नुकसान पड़ते हैं उनको दूसरी कोई कंट्री से लेना देना नहीं है जबकि टेररिज्म ट्रेरि, क्या है ग्लोबल प्रॉब्लम है ओके okay? जैसे इंडिया इस इंडिया को खाली इंडिया के टेररिस्ट से ही खतरा नहीं है पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं अफगानिस्तान के हैं तुर्की के कहीं के भी टेररिस्ट हैं उससे हमको इंडिया को प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल जो लोकल पीपल होते हैं इंसर्जेंसी में मदद करते हैं क्योंकि जो इंसर्जेंट्स होते हैं ये लोकल इश्यू को लेकर लड़ते हैं तो लोकल पीपल उनको सपोर्ट करते हैं वो फील करते हैं कि ये जो रेबल्स हैं जो विद्रोही लोग हैं ये हमारे है फ्रेंड हैं दे मे और मे नॉट गेट को लोकल सपोर्ट जबकि ये जो टेररिस्ट है इनको लोकल सपोर्ट मिल भी सकता है नहीं मिल सकता जैसे टेररिस्ट है जिसे इनको काश्मीर में लोकल सपोर्ट मिलता है लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है इंसर्जेंसी इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट अवर ऑन लोकल पीपल इंसर्जेंसी को कौन प्रमोट करता है लोकल लोग और जबकि टेररिज्म इट इज इधर अगेंस्ट ऑन कंट्री और एट अगेंस्ट अदर कंट्रीज इट इज स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल अब जैसे टेररिज्म है हम जानते हैं कि मैन कंट्री जो है टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान है अफगानिस्तान ये जो देश है सीरिया है तो ये दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज इंडर्ड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इज इंडर्ड तो जब भी अपने टेरिज्म होता है तो जो कंट्री होती है उसका जो डेवलपमेंट है रुक जाता है जबकि टेररिज्म से पूरी दुनिया दूरी दुनिया दुनी है बहुत सारे देश उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है इंसर्जेंट ग्रुप्स यूज स्केरी थ्रेट किलिंग टू क्रिएट फियर जो इंसर्जेंट होते हैं लोगों को मारते हैं जो इनोसेंट लोग होते हैं क्यों क्योंकि क्यों, उनको क्यों, क्यों, फियर क्रिएट करना है टेररिज्म इज रिलेटेड टू वायलेंस विच ओपनली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लीड लिव जबकि टेररिज्म जो है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है तो फ्रेंड्स यहां हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है आई एम श्योर आपको मजा आया होगा तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स डे